विश्वविद्यालय में आशा सेमिनार करना शुरू कर जो कारण को आप लोग काम करा रहे पिछला लगभग 20-25 साल देखि हम एक दूसरे का मिल जाए सोशल मीडिया के माध्यम से 25-50 साल से लगातार हम मेरे काम बन सकते हैं उसका हम लोग पास आए तो मैं एक फसल काफी बढ़ता हूँ लेकिन शायद भगवान का ही कि मनु चाहिए उनका विचार इलाई वो जो चाहे हिंदी जो सपोर्टर हो चाहे पढ़ता हो कुटुम हो चाहे हमारे उत्तर हम लोग वालिसाय समझ लो तमाम जारी जारी बहुत तेज से निभाए और पढ़ता हो कुटुम हो एक दिन पढ़ता हो क्या कि जो तमाम पढ़ता हो जो ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में सुने सब तरह का वेरी गुड आखिर सर्टिफिकेट की जनमनी मतलब जो है ज्ञापन मुझे जो परिवार का जिनको श्रेण शक्ति मिला सभी प्रियजन शक्ति मिला और मित्र विभिन्न बलों पड़ताल कुटुंब से भी आपको संवैचारिक शायद का प्रजाति सामान्य लोग इतने मनुष्य का जो सपना था वो काम कैसे करूँगा और वो तो सच्ची सावधानी भी कभी मिले नहीं कि जब वो गायन शायद था पूरी होगी हमारे भी जो बहुत सारे लोग थे अभी बेमंद होते हैं मुझे बताइए मतलब वो अभी धन के साथ में उसकी मदद पर पूछिए बार बार समय आम आदमी प्रवेश विद्यालय में मुझे बहुत पैसे क्योंकि पढ़ता जी को सुबह ही चाहिए कि हर जगह तक जो एक आत्मसम्मान व्यवहार को सब और सभी को भी स्वरूपान के कारण मेरी ये भी तो भाई मुझे कि जब कहते हैं कुछ बात जो ना तो वो कभी रिएक्शन दिया कभी आवाज मिला कि मतलब सर मतलब की बात करने के लिए कहते हैं वो असहाय बने तो निश्चित तौर पर वो सबको बचाए और मैं रात उम्र भगवान से ये कहा आप बहुत शुक्र नमस्कार दिए हम तमाम लोग आए वो मतलब बात कर सकते हैं आज दिया सबके लिए धन्यवाद वर्तमान जिसे मेरा परिचय बहुत लंबा नहीं है मेरा बहुत गहरा है सुबह 1-2 साल पहले यहाँ हम बैठक कर रहे थे जब वर्तमान कुटुंब की स्थापना कर रहे थे बहुत से परिचय एक इंसान साहित्यकार एक चिंतक समाज व्यक्ति दूरदृष्टा और कर्मठ ऐसी खसूसियत एक ही व्यक्ति में मिलना बहुत मुश्किल काम है कभी मैंने उनको ऐसे भाव में नहीं देखा जिसमें कि उत्तेजना हो किसी तरह का आक्रोश हो सुबह इतने गंभीरता से इतनी सरलता से वो अपने कार्य करते रहे हैं किसी भी व्यक्तित्व के लिए कैसे की तरह है ये सुबह 9:21 तो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस का शुभकामना संदेश भेजा मुझे सुरंग से कुछ जाना था वहाँ पर वहाँ चला गया सोचा घर में आपके शाम को सारे पट्टी उतर देंगे 3:30 बजे घर पहुँचता हूँ थोड़ा सा भजन किया थोड़ी देर में हमारी गणपति आई और फोन पर जैनी जी का संदेश प्रभाव नहीं रहे केवल अविश्वसनीय बात नहीं हो पा रहा था सुबह मैंने फोन करने शुरू किया फिर दूसरे बात शुरू मैंने मालिक से कहा कि उनसे लोगों से जिक्र किया शाम तक मुझे बताया जिस बात हो पाई के लिए खैर जीवन है और बहुत अनिश्चित है कब होगी नहीं मालूम होनी है क्या है पर एक व्यक्ति जो इतनी भीतर से काम कर रहा है एक व्यक्ति जो इतनी जीवाणु रूप से काम कर रहा है वो काम बाजी चलाता है
निश्चित तौर से काम चलेगा तो दूसरे से नहीं चलेगा जिस सोच के साथ उसे आगे बढ़ाना चाहता था, जिस सिद्धांत के साथ एक अलग सोच उसने समाहित होगी, बेहतर भी हो सकता है। लेकिन वो जो एक्सेंट जो खुशबू उस व्यक्ति के कार्यशैली थी वो हमेशा उसको हमें हमेशा एहसास रहेगा, कभी नहीं। क्या कह सकता हूँ इस मौके पर, मैं वाकई स्तब्ध हूँ कि बहुत मुश्किल सी बात है इसको आत्मसात करना। परिवार के लोगों के लिए तो वाकई बिल्कुल एक आदमी जो बिल्कुल ठीक है और 10 मिनट के बाद वो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है इस बात को सुनकर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उस मूल्यात्मा को, और कोशिश करेंगे जीवन में कि हम कुछ जो कुछ उन्होंने संदेश दिया है उस संदेश को हम जीवन में रोज करने का प्रयास करें। प्रणाम। बहुत धन्यवाद सेवा करो कि जो कुछ ही समय में अपना एक ऐसा अमिट छाप छोड़ जाते हैं। लोग और पढ़ते हैं तो 500 साल बजाय लगातार संपर्क हो जाए आभार तक रहे लोग भाषा साहित्य मंच होती उन्होंने तो उसी पर जो करा जाए एक बुद्धवान कुटुंब होती होना चाहिए, बल्कि बुद्धवान कुटुंब का कार्यक्रम कर करी बहुत बड़े कुटुंब तैयार किया जाए। और मैं तो सौभाग्य समझू एक दुर्भाग्य समझू मेरी तरफ डिसाइडमेंट के साथ कि तीन मुद्दे कार्यक्रम से 10 तारीख को खड़ी देने के लिए अच्छा हो सौभाग्य ये बात है कि वो आदमी जस्ट तीन मुद्दे देखे जाए अभी तक सकल वो सुनो सामाजिक जो आदमी हो सामाजिक आदमी को जो दिमाग हो वो हमेशा तचुन हो तचुन दिमाग हो तचुन और वही त्वचा दिमाग हो अगर तुम कचरी याद रखे तो हम थोड़े मन से सुनो पूछा प्रतिदिन पड़ता प्रथम आगे लोग बहुत कर लेते हैं तुलसी माता को बहुत कुछ करना चाहूंगे बहुत कुछ करना चाहे लेकिन आदि आदि लक्ष्मी को हमसे बिछड़ गए ये दुर्भाग्य से पहाड़ का वासियों को रहवासियों को इन दिनों जो आए थे वह तो जाने जान चाहिए लेकिन प्रतिदिन तो लोग मेरा अक्सर ये अनुभव हो गया कि जिन्हें पहाड़ का कई आदमी पहले और समाज की क्षेत्र की सब का निज है अपना बीवी बच्चा बाल बच्चा खाने पीने की शादी 80-90% ई चंद बन जाए बस एक मीटिंग हो जाना चाहिए वैसे लेकिन अब इच्छा के और समाज उन्नति का बढ़ गया है जगह जगह बर्फ फाल देना कितना एक प्रति उम्र भाग लोग चाड़ बैठ गए तो समाज के अंदर की हमारे बीच में कुछ लोग नहीं आए कि उम्र साल हम आगे बढ़े लेकिन ये दुर्भाग्य हमारा पहाड़ी लोग जयभाषी जब लोग तुम्हें अब बात असली आज कि जो चलिए चलिए वो कम कभी पूरी नहीं हो सकती लेकिन उनकी मन की कोई ना कोई बात कैम अगर बोली हो तो ये बात है समाज का हम रुक करने चाहिए अगर बाई चांस में नहीं हुआ कभी बोलो लोग जो भाई कि साहब इन अभियान को कल जाए अगर ब्रिजवान दो बात या आदानी ये बात हो अगर बढ़ाओ ताकि प्रबंधन बढ़ा की जो आत्मचरित्र शांति मिल सका हमारे बीच बहुत लोग चले
कंटिन्यू रूप से मेरे चोट दुखते की आज हम अभी भी महसूस करो छो कि अगर वो होगा। लेकिन ये ग्रेविटी की बात है कि पत्नी ने देखा लोग स्वर्ग जरूर नहीं होगा जो ये समाज को बहुत कुछ कह रहे चल रहे और वक्त बहुत कुछ कर रहा। यू आने की गुणवत्ता चल गुणवान पुण्य लोग इनका लोग कठोर एक मां यह सिर्फ उनकी या दोष अपनी सुरक्षाओं की अगर जान जाए तब जाके बाद में कि लेकिन अब थोड़ा सोचा कि जब हमारा समाज थोड़ा पढ़ना चाह थोड़ा आगे जाना चाह तो उन दुखों को जो चुके जो जो मन अच्छा है उनके ये गाने के शेयर थे अगर कहते तो कि याद हो मुझे पूरी करने को कोशिश अगर हम सोचे गाने शेयर है पर सारे को तो सोचा ना पता हो हम तो भी पता हम तो भी मालूम हूँ सब कुछ मालूम हूँ लेकिन उनका चला यहाँ रास्ता पर और उनका जो काम छोड़ के अगर उनसे पूरी कर सकते तो ये सब बड़ी सौभाग्य की चीज है। जल गए वो ठीक ठाक गया और उनका परिवार पे यह सह सकते बीड़े के लोग मिल गया पहाड़ को दिल पहाड़ को आदमी को जो इतना मजबूत बेचा उनका कना दर्द दिखे उनका कना एक मिनट अकेले में पहाड़ी में लग गया कि वे अगर कुछ भी हो तो बीत जावा लेकिन टिकटिंग को हम कर नीचे वो टिकटिंग को हम कर ये दीवार जो नीचा वी जो चे प्रतिमा पर पार के आदमी को शांति को एक विशेष रूप है विशेष या वो गुण जो हमारा पार्मा कि हम तो यह शक्ति यूं पड़ी यू सहन करने पड़ लो और प्रतिमा पर पार जी के जो श्याम ज्ञान छा वो सहन कर पड़े थे अपने वो पुनर्वाण पड़ रहे थे दुनिया पर पड़ उस पर लगाने पड़ दुनिया प्रतिमा पर पार के लोग अमेरिका उसके छिन्न उनकी जगह पूरी गैर सी लेकिन ये सदो अगर हम ये सदो तो फिर अपने सच्चे सुधार में ये सदो और ये सुधार साथ सदस्य अपील कर दूँ तो अपने बात के भगवान से प्रार्थना कर कि सत्य कैसे होगी ताकत दिया और मेरे विश्वास चलो कि भगवान ताकत सब कहते हैं बस बात यह चाह कि मैं दुनिया में दिन हमेशा चलने का शास्त्रातिपालक न चैनम प्रेदन तापो न सोशति मरता यैनम वेति हम पालम यैनम मनति हतम जानी तो साचू छाय प्रतिदिन जो साजी थे जब विद्या कमला एक बहुत एक्टिव आदमी का रूप में एक खुशमिजाज इंसान का रूप में एक साहब मित्र का रूप में हमें देखा और ये जो आज हूँ कि एक तस्वीर घर हम जो चलो मान जाते हैं फोटो पुष्पांजलि देगा ये कभी साथ में छोड़े 11 तारीख जो चाहो उत्तराखंड भवन में हमारी जो चा वो एक सभा छी हिमालय का ऊपर गंगा का ऊपर वो भी चा वो आप बिछाया राजकुमार जी भी छाया और प्रतिदिन भी छाया हम लोग भी छाया और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जो चार मिली और प्रतिदिन बजे दगड़ी ही भूला नरेंद्र बंसाल जी की गाड़ी में और हमें बात होता जी मेट्रो स्टेशन तक छोड़ के तो हम लोग जिसका लगभग थे और कश्मीर गेट तक हम लोग साथ साथ हो कभी साथ में छाए कि या आठ मुलाकात हो जो जो एक एक जीवन इंसान का दगड़ा एक इंसान जो कि एक रत्न छाए ये रत्न जैको पर की बंसाल कुटुंब पूरी बरसाल कम्युनिटी पूरा गढ़वाल पूरा उत्तराखंड जिसे गर्व कह सकते और मीठे तो जंगलों सा कि ये बहुत बड़ी क्षति सबों के जान है
डॉक्टर पीतम्बर दत्त प्रसाद जी भी हमारा जो छाया वो 42 साल की उम्र में बचा वो इतने बहुत काम करी थी दुनिया से चढ़ गई छाया। और वे का बात मैं ये मान लू कि पीतम्बर प्रसाद जी बिल्कुल वही श्रेणी का व्यक्ति छना जो कि जो चाहो मतलब आसान है जो चाहो दुनिया से छोड़ी चल गई। लेकिन मैंने अंदुमन विचार कि जो आदमी जो व्यक्ति बड़ा काम करने का वास्ते जो निर्माण बिना उन्होंने जो चाहो बड़ा काम करने का वास्ते लंबी उम्र में चढ़ी बड़ा काम करने का वास्ते जो चाह वो आज मत क्रियाशीलता चाहिए और जीवन पर्यंत अपने आखिरी सांस तक भी प्रतिदिन दस साल जो चीजा वो सक्रिय रहना दस साल कुटुंब से एकजुट करी थी और वो करी थी और कब गो से मेरा कहना था डॉक्टर पीतम्बर दत्त प्रसाद जी को सम्मान जो चाहो अपने आप से दान करेना ता यह एक अपूर्ण क्षति चा लेकिन यो भी जरूर चा कि प्रतिबिंब प्रसाद जी शरीर का रूप से श्रीमद भगवद गीता जन चा कि मनुष्य शरीर से ज्यादा लेकिन मनुष्य जो चाहो वो स्मृत क्यों अब यो चा कि प्रतिबिंब प्रसाद नाम को एक व्यक्ति बेशक ये दुनिया भटेगी अपना पढ़ने बदल चल देना लेकिन प्रतिबिंब अर्थात एज ए व्यक्तित्व एक कर्मठ कार्यकर्ता एक सहृदय मित्र का रूप में वो हमेशा राला हमेशा राला हमेशा राला हम उनका जो काम था वो था कि हमेशा जो था वो जीवित रखला मैं सब सब नमन कर दूँ कि पावन से बटे सबसी श्रद्धांजलि अर्पित पिछले तीन चार साल बटे भी हमारा जो भी कार्यक्रम हुए दरबार भरना या हमारा दरबारी तिथि सभा का या हमारा उत्तराखंड की नाटक संस्था का तो वो हमेशा आएंगी और उनका मुझसे भी थे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो एक महिला महिला होते हुए और उत्तराखंड के साहित्यकार को सुमित्रा नारायण पंख पुरस्कार दे रही हैं साल में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने सोच रखी तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी बहुत ही सौम्य नेचर और अभी जब उनका 15 तारीख को हम लोग लाल किले में गए थे अभी संस्था को सुनने को लेकर तो लोग वहाँ से आए तो रात को मैंने पढ़ा भी सुनी का मैसेज तो ऐसे ऐसे हो गया उनके साथ तो बिल्कुल इसका बिल्कुल यकीन नहीं आया बिल्कुल भी नहीं मुझे लग रहा था झूठ बात तो नहीं होगी मैंने उनका एक बार फोन करने की बात करते थे मैं ऐसा महसूस हुआ और मुझे जब उनका निधन के बाद अब अभी मुझे मेरे को पता चला मेरी दीदी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि ये किंद्रेला में रहते थे ना पहले पहले भी बहुत मतलब 40 साल पुरानी बात है फिर दीदी और की मेरी बड़ी दीदी है उनके पड़ोस में रहते थे दीदी ने बताया इतने भाई बहन ये है वो सारा तो दीदी मेरा मुझे बड़ा दुख हो रहा है मेरी दीदी मुझे क्या पता कि ये नहीं है जो किंद्रेला में रहते थे क्योंकि बहुत पुरानी लंबा अंतराल हो गया था बीच में और बस जब भी 10 तारीख को हमारा क्लियर होते कार्यक्रम था उसमें भी वो आए थे और उन्होंने मुझे मेरे को मैडम मेरे उनके वो आखिरी मुलाकात थी मुझे उसमें मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि से जी हरीश रावत जी मुझे मुख्य अतिथि आए हैं उनको मैं अपनी किताब मन से भेंट करना चाहता हूँ तो मैंने उनको जो बोला कि थोड़ा कार्यक्रम बहुत ज़्यादा है अब वो नहीं हो पा रहा भाई आप मुझे सीट में जाके दे दीजिए तो मेरे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने उनको मना क्यों किया सच्ची से बात लेते हैं ये 15 अगस्त होनी जन के सब लोग हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहे सुबेर बटिकर हम लोग तो अपने घर में बच्चों दगड़ी व्यस्त छाया लेकिन जन एक सांभगत टाइम खन मिला मोबाइल उठाया वो व्याप तो दिनेश ध्यानी जी भी और विष्ट जी भी मैसेज आया छाया कि भाई जी ने बात की तो हमसे कोई विश्वास भी नहीं हो और सही मायने में अभी तक भी विश्वास नहीं होना चाहिए ये बात होगी हुई किले की प्रतिबिंब जी को स्वभाव और एक नेचर ही इन छोई को जय देव बिंबिंदा छा बड़ा प्यार से अभी लग छा कि भाई जन अपने समझी और अपनी जना एक व्यक्तित्व हो छा तो मेर मन ऊपर एक छोटी सी श्रद्धांजलि स्वरूप एक रचना मिल दिमाग माया भरी तो वो मैं आते हम बोलना चाहूँ छू जो मिल कई ग्रुप उनसे कैसे हुई थी उसको बताई पड़ी।
फोटो भी वो थे, तो ये रचना थे प्रतिबिंब बर्थवाल बिना कोई श्रद्धा ने न लिखने न बोलने अचण चक्य हुए न लिखने न बोलने अचण चक्य हुए न सोचने न देखने अचण चक्य हुए समाज आए ना प्रतिबिंब बर्थवाल जी समाज आए ना प्रतिबिंब बर्थवाल जी निराया अब सुनने अचण चक्य हुए निराया अब सुनने अचण चक्य हुए दुबई से बम्बई दिल्ली तक का जीवन सफर दुबई से बम्बई दिल्ली तक का जीवन सफर अब छायु गण्य अब छा गण्य अचण चक्य हुए बर्थवाल कुटुंब सिरमौर साहित्य का वोट साहित्य का वोट तो बहुत पहले बढ़ता है लेकिन वो बहुत और सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा रही और साहित्य का वोटों का अभी रुझान ज्यादा छोयो तो बर्थवाल कुटुंब सिरमौर साहित्य का और अभी छो दिल जुड़ू जुड़ू अभी छो दिल जुड़ू अचण चक्य हुए डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाला भयबंद प्रतिबिंब डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाला भयबंद प्रतिबिंब बिंदित अब निलिखो अचण चक्य हुए साहित्य सामाजिक क्षेत्र का कर्णधार न बोलो न सोचो अचण चक्य हुए दीन विनर्म श्रद्धांजलि प्रतिबिंब तुए गु दीन विनर्म श्रद्धांजलि प्रतिबिंब तुए गु स्वर्ग बैठे रहे चमकुणु अचण चक्य हुए तो यू सबके साथ अपनी विनर्म श्रद्धांजलि प्रतिबिंब बर्थवाल जी का सिर चरणों में अर्पित कर दूँ और बर्थवाल कुटुंब से यह आशा रख दूँ कि वो अवड़ी वो बजू जो कार्य वो शुरू आया वो कार्यक्रम हम कई एक भी बार भी बिगा छो और ये पुरान दिल्ली हो जाओ तो वो एक जो जोड़ना छो वो और वो जोड़ अभी आगे बढ़ रहे रहना चाहिए तो कोई कमी नहीं आनी चाहिए ये मेरी भावना है बाकी दिवंगत आत्मा कही अपने शब्द सुमन अर्पित करते हुए मैं बर्थवाल जी का संदर्भ में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता जो बहुत सब अच्छी वो मैं अर्पित कि हम समझो कि बर्थवाल जी सिर्फ बर्थवाल कुटुंब का प्रतिबिंब जो है बर्थवाल कुटुंब का व्यक्ति नहीं चाहे वो सिर्फ गढ़वाल का व्यक्ति नहीं चाहे सिर्फ उत्तराखंड का व्यक्ति नहीं चाहे वो एक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर काम करने वाले व्यक्ति सुनो जी मेरे काफी समय बड़े थोड़ा ठंड को लिया जाए तो मैं परिचय नहीं था बहुत ये कोरोना काल का टाइम फेसबुक पर काम करना संगठन जगह दे आई तो वह 24 भाषाओं में कभी सम्मेलन कराना चाहो मतलब उन पर कभी समझ ही नहीं ना ये ज्यादा हम बोलते हैं हिंदी में भी लिखते हैं ज्यादा अंग्रेजी कोई 3 भाषा से ज्यादा भैर बोलता हम भी सुन बहुत जी दिखे वाला लेकिन ये जो हो कि मलयालम से लेकर वो से लेकर हरियाणा से लेकर सब एक एक दिन चाहे का निश्चित हो जाए और उनके हिंदी में भी समय दे आई और गर्व देखो मेरे समय दे आई तो मैं पूछा कि वो कब उस जनरल सेक्रेटरी चाहे वो जितने बड़े ग्रुप का जो कि कोई ऑस्ट्रेलिया बड़े संचालन करो तो कोई देश बड़े तो उनका देश का अंदर नाम दिया जी का घोड़े को घूमू का घोड़े को घूमू सब जगह बड़े कर इतना अच्छे वो संचालन हो वो हर आदमी के बाद अभी भी मेरे पास मैं देखो जो मैं बनाए अलग से दी हूँ इतना बहुत काम करूँ कोई मामूली बात नहीं कि हर व्यक्ति थे कोई मैं दिल्ली जैनी जी भी शामिल चाहे फेसबुक को पहले जी भी शामिल मतलब PDF दे और वो एक उधर पहुंचा उधर मैसेज कर रहा है इतना क्लियर काम कोई बड़ी से बड़ी संस्था भी नहीं कर सकी जब वो उनका अंदर इतना योग्यता चाहे कि जो वक्त भी वो इतना बड़े पद पर चाहे और उनको बिगड़ हुए कभी कार्यक्रम को संपादन में हो जाए चाहे वो कोई भाषण हो तो ये भी तो आज मैं ख्याति प्राप्त कहीं था और वहां से हमने बहुत प्रोत्साहन और हम
इन व्यक्ति की कमी महसूस करना चाहता बीच में, लेकिन हम तो यही चाहता कि उनका जीवन से उनका कार्य से प्रेरणा देके और हम अपने आप आया करो। प्रतिबिंब बरथाल जी और मैं आमने सामने रहे, मैं दिलसाद गार्डन बी पॉकेट में रहूँ और उस समय पर डी पॉकेट में रहा दिलसाद गार्डन सड़क के बीच में। और पिछले हफ्ता हम उत्तराखंड सदन में एक कार्यक्रम छे तो दगड़ी में घर तक बहुत सारी बातचीत होना रहे ना, और बरथाल कुटुंब बारे में बताना रहे कि हम अनिल बरुण जी से टाइम देना छो और टाइम नहीं देना, तीन चार बारी होगी ना, मतलब बहुत सारे बात। और शाम ने कत्ती बात बिताई और वो खुशी सब्जी नींद बाजार आम जान मिल जाम से 15 अगस्त हम उन भी कत्ती कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहो। फेसबुक 3:15 तुरंत मिल पे ध्यानी जी पोस्ट पर, दिनेश ध्यानी जी पोस्ट पर, तो इनसे लग के पता नहीं गलत ही जाए आदमी, जब अभी सवेर थी आज मैं पोस्ट भी कर बात भी कर 11 बजे और हमारी सौ पर 6 बार शाम ने हम तुम्हारी कोला बात है प्रतिबिंब बरथाल जी जरा तीन मीन बता नहीं एक सड़क के बीच। और बाद में धीरे धीरे मुझे नोएडा बटी राजेंद्र प्रसाद जी संसदी कॉलेज और प्रोफेसर फोन आया मैं कि पवन आपका तुम्हारे समय पर प्रतिबिंब जी क्या सच खबर से ऐसे तो कोई गलत लिख नहीं सकते सच्ची खबर थी। बड़ा दुख है एक आदमी और मेरे दादी बरथाल से खंडक अमला गढ़मोला से मेरे दादी बरथाल से, तो हम लोग उन भी मेरे भाई साहब बोल छे बरथाल लोग हमारा बहुत घनिष्ठ जब दादी मेरे बरथाल से ही तो प्रेम पूर्वक मुख समझ जाए कि हम भाई बन भाई चाहते। तो दिल्ली के अंदर मतलब एक मैं बात बताऊँ तो कि प्रतिबिंब बरथाल जी दो तीन साल दिल्ली में हजारों लोग काम करने थे, हजारों में सैकड़ों लोग थे जो एक्टिव थे हर संस्था में, चाहे वो गढ़वाल पर गढ़वाल हितेशनी सभा थे, चाहे कोई मंच मंच थे, कोई थे लगभग 1000 लोग लिस्ट बन रहा था, 1000 भी नहीं बन। लेकिन प्रतिबिंब बरथाल जी जन कतर बिटे भैर बिटे अबरोड बिटे जवाए ना, और वहाँ बाद उन बहुत जल्दी दिल्ली ना देहरादून जैसी केस कूड़ा बरथाल कुटुंब के नाम पर लोगों कुटुंब के नाम पर अपर गांव कुटुंब बने, अपर जात कुटुंब जात बरथाल रखते लेकिन जन खंडा की बने दिया या मन मैठन झेड़ा की बने दिया, लेकिन उन वाले की ना सराय का कोई गया पूर्ण गढ़वाल के अंदर जब तक बरथाल लोग रहे ना वो बरथाल लोग जुड़े और लगातार कंटिन्यू उनसे दिक्कत है कि कुछ ना कुछ जैसे अभी जयपाल जी वाले तो हर भाषा में लिख अच्छा है बात का नरन चमे घूमना कि श्याम जब मिल जान चाहे मैं कॉलेज में डी ए वी कॉलेज में अच्छा हूँ मैं यार कॉलेज में भी है ना एक भी कभी तो कभी सम्मेलन में आया हमारे कॉलेज में। और जितना जल्दी मतलब दिल्ली के अंदर शायद मैं 3 दिन से जो पोस्ट पढ़ रहा हूँ सबसे ज़्यादा एक किसी साहित्यकार के जाने से दुख हुआ तो प्रतिबिंब का सबसे ज़्यादा लोगों ने पोस्ट डाला। इसको ऐसा लगता है कि हर आदमी के दिल से आघात लगा पर हर आदमी ने जिसने भी बात करी यार मैं तो व्यक्तिगत जुड़ा हुआ ये व्यक्ति की खासियत होती है। हजारों लोग रोज मरते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि मरने से हाँ अच्छा खत्म हो गया यार अच्छा हो गया, अरे वो खत्म हो गया और कैसे हो गया कि देवेंद्र भाई बैठे हुए पीछे बरथाल जी है ना, तो ये सब तो मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व का जाना समाज को नुकसान करता हूँ। लोग कहते हैं संस्थाएं व्यक्ति से संस्थाएं पैसे से चलती हैं धन से चलती हैं या लोग चला लेते हैं व्यक्ति से चलती है परिवार कुटुंब जिस कुटुंब में जिस परिवार में जिस संस्था में एक ऊर्जावान सशक्त व्यक्ति खत्म हो जाता है वो संस्थाएं फिर उठेंगी लेकिन उनमें जी वसा होंगी लेकिन समझने में उनको टाइम लगेगा क्योंकि चलाने वाला व्यक्ति एक ऐसा प्रतिबिंब अपना प्रतिबिंब अक्ष था उनका समाज के अंदर में देखता था मतलब पूरी मेहनत। मैं कहने लगा कि कई हम उत्तराखंड क्योंकि हम दिलसाद गार्डन में थे उत्तराखंड सदन में मीटिंग करनी फिर रेस कोर्स वाले मेट्रो स्टेशन पे आना 7 तक मेरे घर आमने सामने घर थे हमारे आना जाना। आज भी मैं सिर्फ प्रतिबिंब जी की वजह से 2 बजे प्रोग्राम खत्म हो गया था मैं चला गया था फिर आया वापिस कि मैं प्रतिबिंब जी की श्रद्धांजलि दूंगा। और निश्चित रूप से प्रतिबिंब का जाना वास्तव में पूरे समाज की क्षति है और बरथाल कुटुंब की तो है ही बरथाल कुटुंब को एक पहचान दिलाना दिल्ली से देहरादून से लेकर सब जगह अर्थात हर आदमी बरथाल कुटुंब के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु हो गया ये कुटुंब है क्या भला।
बहुत जल्दी उन्होंने सेमिनार निकाले, उसकी स्मारिकाएं निकाली और आम लोग मतलब ये पता चल गया कि सारा गढ़वाल के जितने जिले हैं सब एक ही हैं, ये श्रेय जाता है। तो निश्चित रूप से समाज का बहुत बड़ी क्षति है। एक कभी नहीं गया साहित्यकार जाएगा, साहित्यिक कृतियां याद रहती है, लेकिन एक संस्था चली, एक व्यक्ति जो एक स्वयं में एक संस्था था, संस्था के व्यक्ति के जाने से संस्थागत नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, परिवार का तो निश्चित रूप से हुआ ही है, लेकिन समाज की भी हानि हुई है, समाज की भी क्षति हुई है। उस क्षति को पूर्ति करना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल होगा। बर्थार कुटुंब को तो हम यही सलाह देंगे कि उनके ही उद्देश्यों को उनके नाम पे कुछ पुरस्कार कुछ याद रखें कि प्रतिबिंब के नाम पे, कि जिससे कि प्रतिबिंब बना रहे, यही मेरी श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि मेरे मित्र थे, मैं कहने लगा आमने सामने सिर्फ सड़क है, मैं बी पॉकेट में रहता था और डी पॉकेट में रहते, और निश्चित रूप से बहुत दुख पाऊंगे जाने से। मैंने कहा बहुत सारे लोग रोज जाते हैं, अपने परिचित जाते हैं, अच्छा चले गए, ओहो कन्व चलो कन्वे है, लेकिन प्रतिदिन का जिसने भी सुना उसने कई बार फोन करा कि ये खबर सही है, ये उनका व्यक्ति से व्यक्ति का जुड़ाव, आप व्यक्ति से जुड़ो, व्यक्ति से व्यक्ति का जुड़ाव जाने, जिसके जाने से दुख होता हो, जिसके जाने से दुख हुआ है वास्तव में वो महामानव था। प्रतिबिंब उन आदमियों से थे कि जिनके कारण लोग बहुत दुखी हुए। भीषम कुपेंद्र जी मेरे मित्र हैं, रिश्तेदार भी, हम जसपुर के रह के मामा लगते, उनका फोन आया मुझे कि यार मैं हैंडीबल कमर समय पर प्रतिबिंब तक के हुआ, क्योंकि हम आमने सामने मारे तो रिश्तेदार ये भीषम जी से मैं गया। कई लोगों ने इसलिए पूछा कि खबर झूठ तो नहीं चला दी किसी ने, कितना प्रेम और कितना आघात रहा उस व्यक्ति से हुआ। तो निश्चित रूप से प्रतिबिंब जी के जाने से बहुत दुख हुआ है और उनकी जगह कोई नहीं भर सकता, लेकिन ये भी कहते हैं कि व्यक्ति जाते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, समय उनका यही रहा होगा, नियति के आगे कौन रुक सकता है। तो हम सबकी श्रद्धांजलि उनको विनम्र श्रद्धांजलि है और निश्चित रूप से गढ़पाल कुटुंब को उनकी स्मृति बनाए के रखने के लिए कुछ न कुछ प्रयास है। धन्यवाद। और बर्थवाल कुटुंब उनका अपना एक सपना था, शुरू में हो सकता है सभी लोगों को लगा हो कि ये इतना प्रैक्टिकल नहीं होगा, शुरुआत में मुझे भी लगा कि बर्थवाल कुटुंब किस तरह सब लोगों को जोड़ने में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पहली दफा जब मैं 2 साल पहले 6 अगस्त को उनसे पहली बार मिली थी, इससे पहले हमारी टेलीफोनिक टॉक्स हुआ करती थी, फोन पर भी उनका इतनी आत्मीयता से मुझसे बात करना इस बात ने मुझे बहुत आकर्षित किया। तो वो एक वो बर्थफॉल थे, मैं भी बर्थफॉल हूँ, मेरे बड़े भाई थे वो, तो पहली दफा मैं प्रोग्राम आई जब उनसे मिली तो इतना सौम्य व्यक्तित्व उनका, इतने मृदुभाषी थे वो कि मैं क्या बताऊँ। पहली मुलाकात में मुझे लगा कि ये अगर एक संस्था बना रहे हैं और उन्होंने बर्थफॉल किस किस कोने से ढूंढ कर नहीं निकाले। एक बार ऐसे ही बात हो रही थी, मुझे बंगलौर जाना था, तो मैंने कहा अच्छा वैसे आपको पता होता है कि वहाँ कोई बर्थफॉल है कि वहाँ एक परिवार है, मतलब वो उनकी टिप्स पे एक एक व्यक्ति था किस जगह पे कितने बर्थफॉल रहते हैं। तो आप ये देखिए सिर्फ कुटुंब का एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था उनके पास, उन्होंने सबको जोड़ा और सामाजिक सरोकार से भी जोड़ा, सिर्फ ये बर्थफॉल कुटुंब से बर्थफॉल का नहीं, मतलब कुछ चीजें हैं, मतलब हमारे जो बर्थफॉल सरने वाले लोग आते हैं इसमें, इसके अलावा भी उन्होंने साहित्यकारों को या कवि सम्मेलन करके बहुत सारे लोगों को इससे जोड़ा। तो अभी तो मैं यही कह सकती हूँ कि मेरी उनको विनम्र श्रद्धांजलि, और मैं चाहूँगी कि बर्थफॉल को तो बना रहे और जो भी व्यक्ति वो हमारी संस्था के इतने करवट महासचिव थे, तो जो भी व्यक्ति उनकी जगह काम करे वो उतना ही लगन से उतनी कर्मशीलता से इस काम को आगे बढ़ाए। मैं राजेंद्र जी, नमस्कार। प्रतियोगी से परिचय मेरा 2022 में हुआ, उससे पहले केवल फोन पे या फेसबुक में इनसे पहचान थी। उनकी सोच उनके विचार जब मुझे पता चले तो मैं बड़ा उत्साहित हुआ और उनसे जुड़ने की पूर्ण रूप से कोशिश करी। कार्यक्रम तो 6 अगस्त को था, हमारा वार्षिक उत्सव मनाना था, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया हम इस प्रकार से करेंगे, मेरी इच्छा और प्रबल हुई, मैं उनसे और जुड़ा। तिनका तिनका जैसे छोड़कर चिड़िया घोंसला बनाती है, ऐसे उन्होंने तिनका तिनका जो बर्फा इधर उधर बिखरे हुए थे उनको जोड़ा और एक कुटुंब बनाया, और उसको अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा अलग अलग जगहों में उनको बताया दिखाया
ताकि प्राप्त हो सके कि केवल एक गांव या कुछ छोटे क्षेत्रों में ही बटवाल नहीं, देश विदेश में भी बटवाल फैले हुए हैं और उन सबको जुड़ना चाहिए। और इसी सोच के साथ उन्होंने हमारे को जोड़ा और हमने कोशिश पूरी करी और कर रहे हैं और सभी ने कहा, और हम उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकते किंतु उनकी सोच को आगे कैसे बढ़ाएं, उनकी जो उनके विचार थे, जो उनने कार्य करने का सोचा था भविष्य में, उनको 100 से 200% अपने एफर्ट्स डाल के पूरा करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सबके साथ धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम। वैसे तो प्रतिनिधि के बारे में सभी ने विस्तृत से बता दिया है और आप लोग मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा या मुझसे ज्यादा आप लोग प्रतिनिधि को अच्छी तरह से जानते थे। अभी सिचुएशन ये हुई थी कि 14 तारीख को हमने एक कार्यकारिणी की ऐसे बैठक बुलाई थी ऑनलाइन, तो वो कहने लगे कि आप लोग ऐसे करो कि बताओ कि हमारा जो स्थापना दिवस मनाया है उसमें कमियां क्या थी। तो मैंने बोला कि मैंने कमियां नहीं बोला, सुझाव कि आगे से हम और अच्छा कितना अच्छा कर सकते हैं, उस सुझाव की बात करो आप, कमियां नहीं। कमियां तो हर चीज में अगर हम निकालने लगे हैं तो बहुत सारी कमियां होती और कोई परफेक्ट कुछ नहीं होता। हम लोग जो भी काम करते हैं, हम इस उद्देश्य परफेक्शन से कर रहे हैं, तो परफेक्ट कोई नहीं होता, कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो कमी की जगह हम बोलेंगे सुझाव बताओ कि अगले उसमें। तो फिर आगे इतनी मीटिंग हमारी जो है 9 बजे से स्टार्ट हुई थी 14 तारीख को शाम को, और रात को 11:20 पे फिर हमारे जो अध्यक्ष हैं आरोप राजकुमार जी, उन्होंने उनको बोला कि प्रतिनिधि जी आप जो है मीटिंग समाप्त करते हैं, 11:20 हो गए, तो आप ऐसे करते हैं कि, और बड़े मुस्कुरा के वो जो है जवाब दे रहे थे कि ऐसे ऐसे करेंगे अगले 5 साल का, कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या करना है हमें बतौर कुटुम के लिए, तो सारा वो एक खाका तैयार कर रहे थे कि हम कैसे करेंगे। और अंत में भी उनको कि मीटिंग जो राजकुमार आर्य राजकुमार जी हमारे अध्यक्ष, इन्होंने जो उनको बोला तो उन्होंने बोला ठीक है अब आप कंक्लूड कर लीजिए, तो लास्ट में मीटिंग समाप्त होगी। तो सुबह फिर करीब 11:19 पे हमारा जो इन्होंने स्थापना दिवस के लिए हमने टास्क फोर्स बनाया था उसमें एक मैसेज डाला 11:19 पे कि सबको शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की, तो अच्छा लगा हमने कहा अभी। तो उसके बाद हम लोगों ने भी गई जैसे खाना वाना खा गए तो थोड़ा आराम कर रहे थे, तो तब तक फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो विश्वास नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा विश्वास। उनकी फोटो है सब कुछ है, श्रद्धांजलि सभा में हम सब लोग बैठे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो पा रहा कि वो हमारे बीच नहीं। तो फिर तुरंत हम उनके घर पे गए, दिलसार गार्डन में थोड़ी देर बैठे, वहां बातचीत की उनके साथ परिवार का। तो हमने संक्षेप में उनके परिवार को पूछे कि क्या हुआ, कोई मतलब इनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री कुछ थी, तो ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं था, कहते हल्का सा जो है शुगर के पावर पर, शुगर भी इतना नहीं था कि मतलब बॉर्डर पे था। तो फिर मैंने कहा उनको कैसे लगा आपको कि प्रॉब्लम हो रही, तो उन्होंने उनके वाइफ ने बोला कि उन गाड़ियों की बेटा जी मैं आज थिजोड़ भागना जी हूँ, पर इनसे कि कितने थिजोड़ मारने मेरा फिर हुआ, तो मिसे जवाब ठीक है तुम्हारा, तो मिसे कह गया वो किचन में रहे ना थिजोड़ भाग फर्स्ट क्लास बने मरे ना चलो भाग खेले बोला, खाना बाद थोड़ी देर बाद करे खाना को मेरे ख्याल से 10-15 मिनट बाद उनका अली जी से फील हुआ। तो उनका के कुछ नहीं, मैं बाबू से पूछी ना जो वो बाबू शिक्षा में सेवा चल रही, तो उनका के गैस बन गए इनका इनोवा तक ही ना दे इनो क्या हूँ, थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा बाथरूम में गए, थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह टाइप का कुछ, अब मैं ठीक चाहूँगी अब ठीक चाहूँगी थोड़ा आराम कर, तो वही बात पड़ गया ना, तो इनवाल हो गए उन्नीस से दिन वाले कि मिनवाल मैं चाय बनाऊँ, बस ठीक है तुम चाय बनाओ, तो चाय बनाने चलिए तो एक आवाज ही आएगा अजीब सी ना, जिनको कि मतलब झटका से जो शरीर में कोई सांस अचानक से, तो भी लेट गए जमीन पर, वो लेट गए, वो नीचे बैठ गए खाना वो भी लेट गए। तो फिर आज सेना को उनका भी क्या बात है कह रहे मैं थोड़ा खुटा दबा खुटा पर जम जाट से मुझे हाथ पर भी लोग मुझे, तो मतलब काफी कोशिश कर फिर बेटा दही पर आया हूँ, तो मेरे ख्याल से काफी देर तक सी प्यार होने जाए को भी कोशिश करूँ, फिर कोशिश करने के बाद भी मुझे आवाज हो गई कि अब शरीर में कुछ अजीब सा होने लग गई कि मुझे लग के अब मुश्किल से,
फटाफट फिर एम्बुलेंस बुलाए, वो बुलाए कैब बुलाया फटाफट उतरे जी टी वी लेके। लेकिन जी टी वी जब हम ई सी जी कर तो उस टाइम हुआ कि भाई तेरी स्टेट लाइन आने नीचे हार्ड काम नहीं करो। तो उधर भी आश्चर्य हुआ। फिर अब वो बेटा बच्चे वो क्या कहे, उन्होंने फिर मेरे भाई को बुलाया होगा, फिर घर पे लोग आए, कोई था ही नहीं वहाँ पे उस टाइम सिचुएशन ऐसी भी। तो फिर किसी तरह से उनको घर पे लाए, तो फिर उसके बाद तो हमें जो है इन्फॉर्मेशन मिली 3:30 बजे 4 बजे 5 बजे करीब हम लोग पहुंचे वहाँ। तो स्थिति ये है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक उनका जाना, क्या स्वास्थ्य हुआ क्या, और मुझे लग रहा है हमें लग रहा है कि हम सब लोग आइडिया लगा रहे हैं कि एक मिनट घर से हार्ट अटैक था, मैसिव हार्ट अटैक आए। तो जो आदमी इतना एक्टिव हो, इतने मूवमेंट में हो, और इधर उधर जाना कभी कहीं कभी कहीं, और उसके बाद भी उसको ये प्रॉब्लम हो जाए, तो थोड़ा सा आश्चर्य से हुआ कि ऐसे हो सकता है क्या, कल हमारे साथ हो सकता है ऐसी चीज। हम लोग भी जो है इतना कुछ करते हैं, सब कुछ मेडिकल जांच, उन्होंने भी मेडिकल तो कराया होगा कभी कभी अपना, तो ऐसा उनको पता होगा जब उनको थोड़ा बहुत शुगर करा होगा। तो ऐसी स्थिति जो हुई तो हमने कहा कि ये तो अगर ऐसी इनके साथ होगी तो ऐसे किसी के साथ हो सकती है। अब हम लोग इतना कितना प्रिकॉशन रखें, और वो मेरे ख्याल हमसे भी ज़्यादा एक्टिव थे, बल्कि उनकी मिसेज कह रही थी कि उससे पहले जब उनको प्रॉब्लम थिजोनी बात आना चाहिए कि थिजोनी को बाद में आना चाहिए, वो मैं सीनियर सिटीजन होने वाला हूँ, 10 तारीख को मैं 60 साल का हो जाऊँगा, अब मैं सीनियर सिटीजन होने वाला हूँ, करीब हंसते हुए होते। अब जो ऐसे आदमी घर पर भी ऐसे बात करे या हमारे संस्था की कोई मीटिंग हो रही उसमें ऐसे बात करे, कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता कि ऐसे होगा, और अचानक हमारे बीच से चले गए, हमको असहाय छोड़ के चले गए। अभी सिचुएशन ऐसी है कि बथवाल कुटुंब को उन्होंने खड़ा तो कर दिया, अब सिचुएशन है कि जो लिंक उनके थे, जो जहाँ जहाँ उनके कॉन्टैक्ट थे, जहाँ जहाँ उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने इस बथवाल कुटुंब को ऊपर उठाया, शायद हम लोग कोई कर पाएं, कोशिश कर सकते हैं, पर शायद हम लोग ये कर पाएं कि जो उनके अंदर क्वालिटी थी वो क्वालिटी हम लोग के अंदर हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग भी हो यहाँ, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा ऐसे रहेगा तो हम लोग हो सकता है कि कुछ कर रहे हैं कि एक पेड़ लगा के वो चले गए, और बाकी उसको हमने लालन पालन तो हमको करना पड़ेगा कि कैसे इसको क्या, या तो वो उन्होंने बोला कि ये लो मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, मैंने इतनी मेहनत की, अब संभालो मैं जाओ, मतलब अचानक जाना ऐसे छोड़ के जाना। तो हो सकता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके ऊपर भी डिमांड होगी, क्या पता उन्होंने बोला कि इन्होंने बहुत कुछ काम कर दिया कम समय में, इन्होंने काम कर दिया, अब इनके ऊपर जिम्मेदारी डालो, करो आप लोग कैसे करते हो सकता है हमारे चैलेंज हो गए, करो अब इसको। तो जो भी है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि के लिए आप लोग आए, और अच्छा लगा कि आप लोग जैसे कई लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं, गढ़वाल फैसली सभा के पदाधिकारी उच्च पदाधिकारी हैं, तो बड़ा अच्छा लगा है कि हमें भी हौसला बढ़ गया कि शायद कुछ हो सकता है हम इससे कुछ कर पाए, कि उनकी जगह अगर उनकी भरपाई कोई कहीं से हम देखें कि कोई ऐसा हो कि जो कर पाए, तो कोशिश करेंगे हम, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो अवश्य हम कुछ कर पाएंगे। और मेरी तरफ से प्रवीण जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, और उनको भूल नहीं पाएंगे कभी, उन्होंने सबको जोड़ा है तो हम तो उनको सवाल ही नहीं कभी भूल पाएंगे। हम वर्थवाल कुटुंब को कोशिश करेंगे नहीं रहेंगे तब भी हम उनको जीवन भर याद करेंगे, कभी हम भूल नहीं पाएंगे उनके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी बातें कह दी, मैं उससे जोड़ते हुए आपसे खाली कह सकता हूँ कि अभी मैं